उत्तर प्रदेश लखनऊ गोसाईगंज के समाजवादी कार्यालय पर एक बैठक एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर आयोजित की गई। विधायक अमरीश पुष्कर व पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन ब्रजेश यादव, जिला अध्यक्ष जयसिंह जयंत ने की। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामसिंह राणा, पूर्व सांसद सुशीला सरोज, सीतापुर एमएलसी राजपाल कश्यप मौजूद रहे। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से अश्विनी कुमार। एमएलसी के चुनाव के संबंध में ये बैठक बुलाई गई है। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह राणा जी जो उम्मीदवार हैं आज इस बैठक में आए हैं। यहाँ पे सब वोटर बैठे हुए हैं जिनको स्नातक स्तरीय वोटर हैं और सब लोग अपने अपने जो जिसको जिताने के लिए माननीय उम्मीदवार जी से मुलाकात कर रहे हैं। और इस तरह की बैठक का आयोजन आज हमारी विधानसभा में गोसाईगंज ब्लॉक में और मोहलालगंज ब्लॉक दोनों जगह पे किया गया है। अब की जो युवा है उसने पूरी तरीके से ठान रखा है कि अब की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय राम सिंह राणा जी को ही जिताना है। आज हम क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं तो युवा जितना भी है, जितना स्नातक पढ़ा लिखा वोटर है, वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। इसलिए एमएलसी के चुनाव में हम लोग का जीतना लगभग तय है। इसका परिणाम 1 तारीख को वोटर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय राम सिंह राणा जी को वोट करने जा रहा है। हम लोग सभी तैयार नौजवानों से मिल रहे हैं और ये चुनाव स्नातकों का है। इस चुनाव पे कई दशक से शिक्षा माफिया इसमें कब्जा किए हुए हैं जो शिक्षा का व्यापार करते हैं। हम स्नातक हमेशा हर व्यक्ति का मोहरा बना हुआ बैठे हैं। हम लोग वोट देते हैं पर हमारी आवाज़ सदन में न सड़क पर कभी उठाते नहीं। हमारे आज तक किसी भी नौजवान के बीच में उनकी आवाज़ उनके साला पहना कर पर्चे देते तो ये इस बार नौजवान जितने स्नातक हैं वो अपने छात्रता को अपने बीच के रहने वाले भाई इस समय जो वर्तमान एमएलसी उस पर क्या कहना है आपका? मैंने बताया ना कि वर्तमान एमएलसी आज तक 18 साल में किसी भी नौजवान का किसी भी स्नातकों का आवाज़ 18 साल में उन्होंने सदन में नहीं उठाई और एक ही काम किया, उन्होंने केवल कॉलेजों की संख्या बढ़ाया और जितना स्नातक क्षेत्र है हर स्नातक क्षेत्र में कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर शिक्षा का व्यापार को बढ़ावा दिया और बढ़ाया। और हम लोग की आवाज़ कभी नहीं स्नातकों को नहीं उठाई और ना भविष्य में उठाएंगी, क्योंकि जब जो शिक्षा माफिया होता है वो हमेशा सत्ता सरकार से मिल कर रहता है। इसलिए नौजवानों का लड़ाई उन स्नातकों की लड़ाई शिक्षा व्यवस्था से होती है, सरकार से होती है। ये जो शिक्षा माफिया होते हैं हमेशा सत्ता सरकार से मिल कर ही रहते हैं, इसलिए हमारी आवाज़ सदन में नहीं उठ पाती।